गुमराह, यहाँ पर अब हुमा परेशान है कि आलियन उससे शादी करके क्या वाकई में खुश है, इसलिए आलियन को फ़ोन करके परेशान करती रहती है और इस बात का इजहार करती रहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आलियन उसे कहता है कि तुम क्यों मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करती हो और ये बात सुनना चाहती हो कि मैं तुमसे अब नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मैं अब फरियाल से शादी कर चुका हूँ और उसी से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये बात सुन के हुमा को बहुत परेशानी होती है। दूसरी तरफ फरियाल बहुत परेशान है कि आलिया ने अगर मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूँ। यहाँ पे फरियाल का बाप सरमद उसे कहता है कि आलियन तुमसे क्यों नाराज़ होगा, जमशेद तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे की लालच की वजह से शादी करना चाहता था, ये बात जान के उसे कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो यहाँ पे फरियाल कहती है कि आप जाकर हुमा से पूछें कि वो क्यों आलियान को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जैसा आलियान को हुमा कहेगी वैसा ही वो मुझसे सवाल करेगा। सरमद ये बात सुन के हैरान हो जाता है। वो घर को लौटता है कि वहां पे आलियान उसे घर से निकलता हुआ दिखाई देता है। आलियान को कहता है सरमद कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो आलियान उसे कहता है कि मैं यहाँ छोटी मामी से किसी काम से आया था। सरमद हैरान होता है और आलियान वहां से चला जाता है। सरमद हुमा से ये सवाल करता है कि आलियन यहाँ क्यों आया, लेकिन हुमा टालमटोल करके उसे बात का सही जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, उसे ये कहते हुए कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं। इस बात को लेकर सरमद बहुत परेशान होता है कि इसने मुझे ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया और बात ख़त्म करके यहाँ से चली गई। हुमा को यहाँ पे जमशेद भी मिल जाता है कि वो एक नई चाल चलने लगती है। जमशेद से वो कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन जमशेद उसे कहता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो वो कहती है कि क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं। जमशेद कहता है जी ज़रूर, और वो एक रेस्टोरेंट में जाकर हुमा के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं, जो कि वो फरियाल और आलियान के खिलाफ एक नई साजिश करने का सोच रही है, जबकि उसे ये नहीं पता कि सरमद को भी उस पर शक होने लगा है। डॉक्टर के पास हुमा को ले जाता है और हुमा को डॉक्टर बताती है कि आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के सरमद तो बहुत खुश होता है, लेकिन हुमा थोड़ी सी घबरा जाती है और वहाँ से वो घर आ जाते हैं। यहाँ पे सरमद की पहली बीवी उन्हें घूमते फिरते देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है।